बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ओरल कैविटी में डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो अब फूड को स्वेलो कैसे किया जाता है, और स्वेलोइंग का प्रोसेस पहले इनवॉलेंट्री कैसे होता है, पहले वॉलेंट्री कैसे होता है और फिर इनवॉलेंट्री कैसे बन जाता है, और फूड जो है वो कैसे ओरल कैविटी से स्टोमिक तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी कि ओरल कैविटी जो है अपने चार काम परफॉर्म करती है, कि फूड की सिलेक्शन करती है, ग्राइंडिंग करती है, मास्टिकेशन करती है, लुब्रिकेशन करती है और सेमी डाइजेशन करती है। जब ये सारे काम फूड पे हो जाएंगे तो फूड जो है एक छोटे से स्मॉल स्लिपरी ओवल शेप स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे बोलस। अब ये बोलस वो चीज है जो मूव करेगी टुवर्ड्स द स्टोमिक, लेकिन आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉमन ओपनिंग भी है जिससे फेरिंग्स, लिहाजा ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि रोल ऑफ फेरिंग्स बताएं कि वो क्या है जब फूड स्वेलो होता है ह्यूमन में। तो ह्यूमन में जो फूड है वो इस तरह से फोर्स किया जाता है एसोफेगस की तरफ कि वो फेरिंग्स से कभी लेरिंग्स की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर लेरिंग्स में चला गया तो लेरिंग्स से आगे ट्रेकिया है, और ट्रेकिया से जो है वो विंड पाइप बंद हो जाना है। ट्रेकिया का दूसरा नाम ही क्या है, विंड पाइप। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमने बंद नहीं करना, और वो कैसे होगा वो हम इस फिगर की मदद से भी देखते हैं। यहाँ पे आपको टंग नजर आ रही है और ये सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है, और ये ऊपर नेजल कैविटी भी लेबल की गई है, और नीचे ये देखें एपिग्लॉटिस भी लेबल किया जाता है। अब जब भी हम कोई नवाला खाते हैं, जब उसके ऊपर ये चार काम ओरल कैविटी परफॉर्म कर लेती है तो वो एक किस्म का सेमी डाइजेस्टेड मटेरियल बन जाता है। तो वो जो है बोलस वो मूव करता है टुवर्ड द एसोफेगस। उसके लिए जबान जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है। जब अपवर्ड मूव करेगी तो क्या होगा कि ये पहला बात तो ये है कि ये सॉफ्ट पैलेट को ऊपर जाना चाहिए ताकि ये नेजल नेजो फेरिंग्स जो है ये बंद हो सके, या नेजल कैविटी और ओरल कैविटी का जो वो है रास्ता वो बंद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कई दफा जो है वो फूड के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो नेजल कैविटी में भी चले जाते हैं और फिर नाक के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो जब आपको अजीब गरीब किस्म की खांसी आ जाती है खाने के दौरान, तो यहाँ पे पहली बात यह है कि नेजल कैविटी को भी बंद करना है कि फूड नेजल कैविटी की तरफ भी ना चला जाए। तो सॉफ्ट पैलेट बंद होगा तो नेजल कैविटी बंद, फिर यही जबान की मदद से एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ एक लिड नुमा स्ट्रक्चर है, एक ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का बना हुआ। अब होगा क्या के अब पता है एपिग्लॉटिस ऊपर है उसके नीचे ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस लेरिंग्स की ओपनिंग को कहा जाता है, और लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है जहां पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं कि जिनकी मदद से आवाज प्रोड्यूस होती है। अब जुबान की मदद से ही इसको एक हॉरिजेंटल पोजीशन में लाया जाएगा, लेस और मोर हॉरिजेंटल पोजीशन, कि वो जो है ग्लॉटिस को बंद कर दे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग है फेरिंग्स के फ्लोर पे। तो क्या होगा कि जब वो बंद होगा फ्लोर, जब ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का रास्ता बंद होगा या तकरीबन स्लाइटली ओपन भी हो, एपिग्लॉटिस अगर स्लाइटली ऊपर भी उठा हुआ हो, ग्लॉटिस थोड़ा सा ओपन भी हो, तो फिर भी फूड उसमें नहीं जाता, क्यों वहां से ना स्लिप होके वो कहाँ पे चला जाएगा, एसोफेगस के अंदर। तो जुबान की मदद से ये काम किया जाता है कि एपिग्लॉटिस को बंद कर दें। जब एपिग्लॉटिस जो है वो उस ग्लॉटिस को बंद करेगा तो फूड जो है इजीली वो मूव कर जाएगा कहाँ पे, एसोफेगस की तरफ। तो ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स बाय स्टेप्स भी हम उनको देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। अब यहाँ पे और बात थोड़ी क्लियर हो सकती है। आप ये देख रहे हैं कि एक रास्ता जा रहा है लंग्स की तरफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ, एक जा रहा है स्टोमिक की तरफ, और ये बोलस आ रहा है। अब बोलस ये जो जगह है ये फेरिंग्स है। अब बोलस ने क्या करना है कि बोलस ने यहां से यहां नहीं जाना, यहां से यहां जाना है, और ये एपिग्लॉटस लगा हुआ है और ये लगा हुआ है वो सॉफ्ट पैलेट, ये ऊपर नेजल कैविटी है, तो ये नेजल कैविटी भी बंद होगी। जब नेजल कैविटी बंद होगी तो क्या होगा कि फूड नेजल कैविटी में नहीं जाएगा, तो फूड जो है वो सीधा आके एसोफेगस से स्टोमिक की तरफ जाएगा।
तो उसके लिए इस रास्ते को बंद किया जाएगा। तो ये ग्लॉटिस जो है ओपनिंग इस रास्ते की, वो एपिग्लॉटिस के थ्रू बंद हो जाएगी। तो इस तरह फूड जो है वो स्टोमक की तरफ चला जाएगा। तो यही बात हो रही है कि हमारी जो जुबान है टंग, ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी। तो क्या होगा कि इस तरह बोलस को फोर्स किया जाएगा ओरल कैविटी से फेरिंग्स की तरफ। अब जब बैकवर्ड मूव करेगी तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो नेजल कैविटी को बंद कर देगा। ये बात मैं भी कह रहा था कि नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है वो भी बंद होनी चाहिए। तो नेजल कैविटी की ओपनिंग जो है वो जुबान ने सॉफ्ट पैलेट के थ्रू बंद कर दी। और टंग एट द सेम टाइम क्या करेगी कि कार्टिलेज को फोर्स की करेगी कि वो लेस और मोर हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाए, कि वो किसी तरह जो ग्लॉटिस है उसको बंद कर दे। अब लेरिंग्स कार्टिलेज का, लेरिंग्स क्या है, कार्टिलेज राउंड द टॉप ऑफ विंड पाइप मूव्स अपवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ टंग। तो कार्टिलेज जो ऊपर मौजूद है लेरिंग्स के, एपिग्लॉटिस की बात हो रही है कि वो उसको बंद कर देगा लेरिंग्स की ओपनिंग को। और ग्लॉटिस जो है वो बंद हो जाएगा किस तरह के, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रिंग ऑफ मसल। अब इस तरह द फूड अगर पार्शली ओपन भी रह जाए ग्लॉटिस, तो वो फिर भी उसमें फूड नहीं जाएगा। क्यों? कि वहां से वो डाइवर्ट हो जाएगा एपिग्लॉटिस से किसकी तरफ, एसोफेगस की तरफ, और वो सेफली जो है वो मूव कर जाएगा। तो उसके बाद एक बार याद रखें कि फूड बिगिनिंग में जो है, हम अगर नवाला निगल रहे हैं या बोलस को हम फेरिंग्स की तरफ धकेल रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये जो काम है वॉलेंट्री है। लेकिन एक दफा जब ये माउथ से स्वेलो हो गया, मीन एसोफेगस तक पहुंच गया, तो ये वापस नहीं आ सकता। ये अब जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, अब ये इनवॉलेंट्री बन जाएगा। ये नहीं कि आप स्टोमिक से एसोफेगस में जाते हुए नवाले को जोर लगा के वापस दे दें, ये मुश्किल ही होता है। अब वो ऑटोमेटिकली स्टोमिक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से वो तक चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है कि एसोफेगस का क्या रोल है। एसोफेगस आपको पता है कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसमें एट अ टाइम सर्कुलर मसल्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं। तो फूड जो है वो एसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाएगी। ये एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे वेव्स बन रही हैं, जिसकी मदद से फूड जो है वो एसोफेगस से स्टोमिक में जाएगा। और सिर्फ एसोफेगस में ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होती, इंटेस्टाइन में भी होती है। तो और इसमें सबसे पहले क्या होगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा कि एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की जो एसोफेगस में प्रेजेंट है। और उसके बाद उनकी क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, और एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, जिसकी मदद से फूड जो है वो कहाँ पे मूव करेगा, टुवर्ड्स द स्टोमिक। तो इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस, के ए सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन विच मूव द फूड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब यहाँ पे देखें कि मसल्स यहाँ पे रिलैक्स है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये यहाँ पे ऐसे करके आप ऐसे देखें तो आपको लग रहा है कि कोई वेव जनरेट हुई है। तो ये बोलस मूव कर रहा है, यहाँ पे मसल्स रिलैक्स हैं, फिर आगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को आगे की तरफ धकेलेंगे, फिर वो जब आगे आएगा फिर वो मसल वहां से रिलैक्स करके फूड को और आगे की तरफ धकेलेंगे। तो इस तरह जो है एक जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट होगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं और सर्कुलर मसल्स भी हैं। ठीक है, अब यही मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो तब क्या होगा, फूड मूव करेगा। अब बोलस जो है वो मूव कर रहे हैं, बोलस ने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये बोलस को पुश कर रहे हैं कि जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहां से फूड इजीली गुजरे, स्टोमिक की तरफ जाए। सिमिलरली अब यहाँ के मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं और यहाँ पे रिलैक्स कर गए हैं। तो इस तरह फूड को जो है वो स्टोमिक की तरफ ले जाया जाएगा, और इस मूवमेंट को जो होता है पेरिस्टाल्सिस।
अब कभी कभी ये होता है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस भी शुरू हो जाता है, जिसको हम वोमिटिंग भी बोलते हैं, कि फूड जो है वो स्टोमिक से एसोफेगस से होता हुआ यानी बाहर की तरफ, मुंह की तरफ, ओरल कैविटी की तरफ चला जाता है, तो इस मूवमेंट को एंटी पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि ओकेजनली द मूवमेंट आर रिवर्स्ड, मीन उल्टी डायरेक्शन में चल जाते हैं। सीधी डायरेक्शन ये है कि ओरल कैविटी से एनस की तरफ जाएं, लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमिक से माउथ की तरफ चल पड़ेंगी तो इनको क्या कहा जाता है कि ये रिवर्स हो गई है। और इससे क्या होता है कि फूड जो है वो कभी कभी इंटेस्टाइन से स्टोमिक और इवन माउथ तक वापस आ जाता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं कि एंटी पेरिस्टाल्सिस या एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और वॉमिटिंग भी कहा जाता है इनको कि उल्टी आ जाती है। अब हंगर पैंग क्या है? हंगर पैंग भी एक एक किस्म की आप समझें कि भूख की वजह से जो पेट में मरोड़ से उठते हैं उनको ये हंगर पैंग बोलते हैं, कि जब हम 12 से 24 घंटे गुजर जाएं कि हमने खाना ना खाया हो तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएगा, फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, तो जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो इनको हंगर पैंग बोला जाता है। तो ये पहली बात के हंगर पैंग और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, एंटी पेरिस्टाल्टिक नहीं है, और ये जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ये और बढ़ जाएंगे, मीन हमें भूख लगी हुई है, और ये अनकंफर्टेबल जो है वो एक सेंसेशन काज करते हैं, और कभी कभी तो पेट से आवाजें भी आती हैं। तो ये 12 से 24 घंटे बाद, जब आप मतलब ये कि आपको खाना खाए हुए 12 से 24 घंटे गुजर गए हों, तो मीन आपको भूख लगी हुई है, हंगर पैंग ये शो करती है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक नहीं है बल्कि ट्यूबुलर है, लॉन्ग ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ओरल कैविटी में हमने डाइजेशन पढ़ी के फूड सिलेक्शन, ग्राइंडिंग, मास्टिकेशन, केमिकल डाइजेशन होती है। तो हमने कहा कि अब स्वेलविंग का प्रोसेस है कि कैसे स्वेलविंग होगी, कि कैसे फूड को लंग्स की तरफ जाने से रोका जाएगा और एसोफेगस की तरफ भेजा जाएगा। तो उसका हमने प्रोसेस पढ़ा कि कैसे सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लॉटिस को क्लोज करके फूड को एसोफेगस की तरफ भेजा जाता है। फिर हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ी कि फूड को कैसे वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो वो मूव कराया जाता है स्टोमिक की तरफ। कभी कभी एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिनको वोमिटिंग कहा जाता है वो भी हो जाती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बॉक्स में चीज लिखी हुई है कि आपकी जो ये स्वेलविंग का प्रोसेस है इसमें ग्रेविटी का भी रोल है, मीन कि आपको पता है कि ग्रेविटी में चीजें ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था तो वो दरख्त ऊपर था, न्यूटन नीचे था, तो वो चीज जो है जमीन की तरफ गिरी थी। तो जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो भी असिस्ट करती है कि मुंह से नीचे की तरफ ही निवाला जाएगा, कोई आगे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये तो एक पार्शियल रोल है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप सर नीचे कर लें और टांगे ऊपर कर लें तो तब भी जो है वो बोलस नीचे की तरफ ही जाएगा। कह रहे हैं पार्टली रोल तो है ग्रेविटी का, लेकिन पेरिस्टाल्सिस जो ये मूवमेंट हमने पढ़ी है ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपने नवाला खाया है, रोटी खा रहे हैं और बेशक आपका सर नीचे लगा, सर नीचे है, टांगे ऊपर है, तो फिर भी नवाला स्टोमिक की तरफ जाएगा, ये नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। अल्लाह हाफिज़।